जैसे ही यूपी में भाजपा बहुमत हासिल करती दिखाई दी, कार्यकर्ताओं ने लखनऊ की सड़कों पर बुलडोजर दौड़ाना शुरू कर दिया। यहां तक कि बुलडोजर बाबा अब योगी आदित्यनाथ का निकनेम बनता जा रहा है। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि योगी को यह नाम उनके प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव ने दिया था। आइए जानते हैं क्या है योगी के बुलडोजर बाबा बनने की पूरी कहानी। तारीख थी 25 फरवरी जब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को पहली बार बुलडोजर बाबा कहा था, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने इसे अपनी मार्केटिंग कैंपेन का हिस्सा बना लिया। सीएम योगी की रैलियों में बुलडोजर आने लगे, लोग बुलडोजर की टोपी भी पहनकर सभाओं में जाने लगे। खुद मुख्यमंत्री योगी भी खुद को बुलडोजर बाबा कहना पसंद करते हैं, अपनी सभा में बुलडोजर देख खुशी जताते थे। यूपी में बहुमत मिलने के बाद भी भाजपा कार्यकर्ता बुलडोजर के साथ जश्न मनाते हुए नजर आए। ऐसा ही कुछ 2014 में देखने को मिला था, जब वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहा था। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने पूरे मार्केटिंग कैंपेन ही चाय वाला के आसपास गढ़ दिया था। बता दें कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2021 तक उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के माध्यम से 22,259 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं इन सब अपराधियों की करोड़ों अरबों रुपए की चल और अचल संपत्तियां भी जब्त कर दी गईं। योगी सरकार ने मई 2021 तक मुख्तार अंसारी गैंग के 244 सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की और माफिया अतीक अहमद और उसके 89 गुर्गों पर बड़ी कार्रवाई कर अरबों की संपत्ति ध्वस्त कर दी थी। अपनी ऐसी ही बेबाक कार्यप्रणाली के कारण योगी का बाबा बुलडोजर का नाम हिट हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।